अभी हम अमेरिका में अलास्का में ये फ्लैग है जो मोस्टली जाते हैं हमारे ये वाले दिखाता है कि हमारा जहाज कहाँ पर है। ये पिक्चर्स पे आता है, पीपीआई है ये, इसको पीपीआई बोलते हैं। 4 डिग्री टेम्परेचर, जैसे कि हमारे पानी के ऊपर भी बर्फ तैरेगा, मैं वहाँ पे जा रहे हैं अभी। वो थोड़ा वॉर जोन भी बना दिया है, वो बन गया उस एरिया को कुछ टेरिटरी। राम राम जी, सैरन है, स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पवन खटखट ऑफिशियल पर। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हम शिप के अंदर का वीडियो बना रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि भाई शिप के अंदर हम खाना पीना कैसे मैनेज करते हैं, जो हमारा इतना प्रोविजन हम कहाँ पे रखते हैं शिप के अंदर। जैसे बहुत सारे स्टोर होते हैं, वेजिटेबल रूम, फिश रूम, ड्राई रूम, उसके बारे में आपको बताया था। और जो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में डाल देगा, आप देख सकते हैं। अभी हम अमेरिका में अलास्का में, फिलहाल तो हम सी के अंदर ही हैं, कल हम पोर्ट पे जाएंगे, उसके बाद हम बाहर घूमने जाएंगे, आपको दिखाएंगे वहाँ का पूरा, जो आसपास हमारे यार दोस्त जैसे गांव से 4-5 बंदे गए उनसे बात करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिज के बारे में, जो शिप का ब्रिज होता है जिसे हम नेविगेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं, कैसे हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, कैसे हम रूट मैनेज करते हैं, जितने भी ब्रिज में हमारे इक्विपमेंट उसके बारे में बताएंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करेंगे बाहर से, जिसको हम ब्रिज विंग बोलते हैं, हम बाहर के हिस्से स्टार्ट करेंगे। ब्रिज का ऐसा दिखता है बाहर से, और जब भी हम या किसी भी कंट्री में, जैसे अभी अमेरिका आए तो हमें शिप के अंदर उसका फ्लैग लाना पड़ता है। आपको ये देखिए आपका यहाँ का मौसम, कल पहुँचे थे कल से पुल का ऐसा ही है, पूरा बारिश चला हुआ है, अभी थोड़ा रुका तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये हमारा शिप का अंदर का व्यू। हमारे साथ हैं अभी बिलाल आलम, जो यहाँ पे थर्ड ऑफिसर हैं शिप के। और सर कैसे हो सर? सब बढ़िया है यार, और तुम बताओ क्या? आज के यही है गाइडेंस, इसके बारे में बताएंगे, जो हमारा जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री हम आते हैं, जैसे कैसे हम मैनेज करते हैं रूट इतने लंबे लंबे, जैसे हम जापान से आए थे अभी अलास्का है, उसके हम कितने रूट अब कैसे मैनेज, जो भी अपना इक्विपमेंट है ब्रिज के अंदर उसके बारे में बताएंगे आलम सर। और सर कैसे हो सर? सब बढ़िया है यार, अपने पास नेविगेशन के लिए प्राइमरी मीन्स एफडीस है अभी। अच्छा, ये एक्डिस इसका मतलब क्या कुछ? तो हमारे सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स हैं वो हमारे एक्डिस में ही हैं। अभी हमने सेंट लॉरेंस आइलैंड है अलास्का यूएस में, वहाँ पे एंकर किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे लाइटरिंग ऑपरेशंस चलने वाली, ये हमारा रडार है तो अपना यही, इसमें जब लॉन्गिट्यूड एक्टिट्यूड होता है, वो देशांतर मेजांतर वो सारा कुछ, मतलब इसका जो अपना पॉइंट होता है सारा वही बताता है, सीधी भाषा में बोले तो। हाँ हाँ, ये अपनी पोजीशन दिखाता है कि हमारा जहाज कहाँ पर है। ठीक है, चार्ट आता है इसमें सारा हमारा। और ये सर? ये रडार है अपना, रेडियो एक्टिव रडार बीम्स होती है ये। ठीक है सर, रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे इसमें, ये पिक्चर्स पे आता है, पीपीआई है ये, इसको पीपीआई बोलते हैं, पीपीआई पे इमेज आती है। ओके सर, नेविगेशन में काम आता है। जैसे क्या होता है सर, रेड सी में जाते हैं क्या, सोमालिया में जाते हैं सर, बोलते हैं पायरेट्स अटैक हो गया। हाँ। यहाँ पे हम कैसे पता कर सकते हैं यहाँ पे कोई शिप आ रहा है, उसके बारे में डिटेल वगैरह कैसे? अच्छा, ये हमारे दूसरे जहाज के पता करने के लिए हमारे पास AIS रहता है। जी सर, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, उससे पता कर सकते हैं किसी और जहाज के बारे में, या अगर ऐसा कुछ है जिस भी हम पायरेसी एरिया है तो उसको हाई रिस्क एरिया बोलते हैं। यस सर, इन सब एरिया में एंटर करने से पहले ही हमें अपना पोजीशन रिपोर्ट भेजना रहता है, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको, तो उससे भी हेल्प मिल जाती है। बाकी सारा मॉनिटरिंग होती है, कॉन्वे चलता है, हम कॉन्वे आर्मी या नेवी का कॉन्वे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, उन सब एरियो से पास करने के लिए। सर आपने कभी रेड सी क्रॉस किया है सर? हाँ मैंने। आपने विदाउट सिक्योरिटी पास किया या ऐसे जैसे गार्ड होते हैं, बॉडी गार्ड रखते हैं सिक्योरिटी के लिए? सर हमने रेड सी क्रॉस किया है अपना, हम लोग जड्डा गए थे। ओके, तो उसके हमारे जहाज पे 3 गार्ड थे। ओके सर, श्रीलंकन गार्ड विद गन। हाँ विद गन, विद गार्ड हमारे साथ गार्ड थे। ओके, और हमने जब क्रॉस किया था तो कॉनवे में क्रॉस किया था। कॉनवे में क्या था, 4-5 जहाज एक साथ चलते हैं और एक नेवी का शिप आगे रहता है। जी सर, जैसे कि सर पिछले अभी कुछ दिनों में एक वीडियो आया था, वो आपने देखा होगा, अटैक हो गया उस शिप पे। आजकल क्या हो गया है कि वो थोड़ा वॉर जोन भी बना दिया है, वो बन गया उस एरिया को, कुछ टेरिटोरीज हैं वहाँ पे आपस में उनके डिस्प्यूट्स की वजह से वो एरिया थोड़ा सा आजकल ऐसा चल रहा है। चलो तो अभी आते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं, मैं आपको वीडियो दिखा देगा हम इसमें जो अटैक हुआ था। ये है वो वीडियो जो काफ़ी वायरल हुआ था। ये रेड सी एरिया है, इसे हाई रिस्क एरिया माना जाता है। जब भी इसको क्रॉस करते हैं पूरी सिक्योरिटी के साथ 2-3 गार्ड होते हैं विद गन, तब भी हम इसको क्रॉस करते हैं कोई भी शिप हो। तो ये है भाई शिप का स्टेयरिंग, यहाँ से कंट्रोल होता है। ये जायरो है अपना लोकेशन डायरेक्शन देखने के लिए, शिप से बाहर का व्यू। और भी इक्विपमेंट अपने, ये फ़ोन वगैरह, जैसे इंजन रूम में डिपार्टमेंट में फ़ोन करने के लिए, बाय चांस अगर
चेंज कंट्रोल होता है, जैसे ब्रिज कंट्रोल, इंजन कंट्रोल, कंट्रोल देने के लिए। सर कौन सा कंट्रोल देने के लिए वाला? ये है कंट्रोल, कंट्रोल चेंज करने के लिए ये पैनल है। ओके सर, इससे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये थोड़ा अपना रेस्ट के लिए अगर काम वगैरह, ये अपना जो शिप का अंदर जो डॉक्यूमेंट है, जितना मेल वगैरह आता हमारा सर यहीं पे आता है। ये देखो प्रिंटर वगैरह रखा हुआ है, उधर भी रखा हुआ है, अपना काम इधर ही है, मोस्टली इधर बैठ रहते हैं। अच्छा इसके बाद ये अपने पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह आगे सारा चलता है, कागजात जितने भी हैं इधर भी रखा हुआ है जो शिप के अंदर। सर ने बोलता एक डिस्क रखा हुआ है, अगर बाय चांस एक में कुछ हो जाए तो दूसरा दिखाने के लिए। अच्छा पानी का ये अपना सर जब टी ब्रेक के लिए यहाँ भी है और नीचे भी है, इस पर बनता है, ऊपर देने आता है। और ये स्पेशल अपना खुद के लिए ब्लैक टी, ग्रीन टी बना सकते हैं। बस फ्लैग हैं भाई, हर कंट्री के फ्लैग है जो मोस्टली जाते हैं हमारे ये वाले, जैसे जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री का हम फ्लैग होस्ट करते हैं शिप के अंदर। और ये है अपना सार्ट सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपोंडर, मतलब ये है कि शिप में जो प्रॉब्लम हो जाए तो इसका यूज करते हैं एमरजेंसी के लिए। ये हमारा बैनिकुलर हो गया, अच्छा खासा दूर तक देखने के लिए, किसी और शिप को देखने के लिए, आसपास लैंड को देखने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। ये देखिए आपका पूरा शिप का ब्रिज व्यू, ये देखिए आप यहाँ से, ये हमारी सब इंस्ट्रक्शन लगा है भाई क्या कुछ करना है, फायर वगैरह डील हो जाए तो मतलब क्या कुछ एक्शन लेना है। हर एक क्रू का अपना अपना ड्यूटी होता है, जैसे ड्रिल होती है फायर के लिए अलग अलग होती है, अमंडन के लिए, जैसे सोप अप कोई ऑयल वगैरह निकल जाए तो उसके लिए किसको क्या करना, सब कुछ पेपर वगैरह में लिखा होता है, ये दिया हुआ है सारा यहाँ पे भाई। चार्ट बोर्ड लगाया हुआ है अपना जो डेली का, वह कितना अपना शिप नीचे गया हुआ है, कितना ऊपर, इसके बारे में लिखते हैं। ये अगर फ़ोन दिया हुआ है यहाँ पे, पोर्ट चेंजिंग चैनल के बारे में, जब बाहर से जब भी हम जैसे पोर्ट या लैंड के पास जाते हैं इस पर कॉल आता है, बाहर से हम कौन बोल रहे हैं हम उसके बारे में बताते हैं भाई, शिप की इंफॉर्मेशन जो कॉल करेगा वो बताता है हमको। ये हमारे सिक्योरिटी लगाया हुआ है, साइबर सिक्योरिटी वगैरह सारा, ये वही शार्ट है, ये आग वगैरह लग जाए तो फायर फाइटिंग के लिए, ये VHF होकी टोकी के लिए, जैसे शिप के अंदर मोस्टली यूज होता है, शिप के अंदर, दूसरी शिप के अंदर नहीं होता, चैनल चेंज करना पड़ता है उसकी बात करने के लिए। बुक वगैरह है यहाँ पे, शिप के दूसरी साइड का व्यू है, ये देखिए एक उधर साइड था कि इधर साइड है, ये जो घूम रहा है सब, ये इंटरनेट है यहाँ शिप का, ये इंटरनेट लगा हुआ है। ये ब्रिज के दूसरी साइड का व्यू है, यहाँ से आपको शिप के फ्रंट का व्यू भी दिखेगा। ये देखिए कल हम यहाँ पहुँचे तो उस टाइम बहुत ही आइस थी, ये देखो वीडियो में जो आपको दिखा रहा हूँ ये वाला पूरा आइस कल था, आज इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि पूरा ये ओस हो गया, पूरा धुंध, कुछ दिखाई नहीं दे रहा चारों तरफ भाई। 4 डिग्री टेम्परेचर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम जैसे अभी अलास्का में, वैसे में अभी हम नेक्स्ट जा रहे हैं इसी ऊपर अटलांटिक में, जहाँ पे अपना बिल्कुल जो जैसे पानी के ऊपर भी बर्फ तैरेगा, मैं वहाँ पे जा रहे हैं अभी, -10 डिग्री -15 डिग्री पे जा रहे हैं। ये था भाई अपना ब्रिज का और नेविगेशन डिपार्टमेंट का जो एस्टिमेट थे अपने। बताइए भाई वीडियो कैसे लगी, और वीडियो अच्छे लगे तो कॉमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपना शेयर करें। बाय बाय।